हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले पोट्रॉनिक्स के जो हार्मोनिक्स ट्विन्स 24 ईयरबड्स है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके साथ साथ यहां पे इस बॉक्स के अंदर से कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ आपको यहां पे मिलते हैं, तो पहले तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ आपको यहां पे मिल जाती है। तो यहां पे इसके पोट्रॉनिक्स के बॉक्स के बारे में बात करें तो भाई आपको यहाँ पे इसके जो एक्चुअल ईयरबड्स की इमेज है वो देखने को मिल जाती है, प्रोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग और इसके अलावा हार्मोनिक्स ट्विन्स 24 जो इसका मॉडल नंबर है वो देखने को मिल जाता है। साइड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो भाई फ्लुएंट योर साउंड ऐसा लिखा है। और इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे इसके तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग वगैरह की डिटेल वगैरह मतलब MRP लेवल वगैरह कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे इसके साइड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो थोड़े बहुत की फीचर्स जो देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आगे भी बात करते हैं। जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो भाई पहले तो आपको यहाँ पे इसकी जो यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा वाओ, इस तरीके का जो इसका चार्जिंग केस कहे या फिर इसके ईयरबड का केस कहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा एक और डिवाइड पार्ट है जिसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है। और इसके अलावा रजिस्टर मतलब यार वारंटी जो रजिस्टर करना है उसको इस QR कोड को स्कैन करके आपको रजिस्टर करना होगा। और इसके अलावा 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है। इन सबको साइड में रखते और आते हैं हमारे मेन ईयरबड्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे इसके चार्जिंग केस के बारे में बात करें तो आपको पोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके साथ में यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको 4 LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जहाँ से इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे अभी चार्जिंग केस के अंदर कितनी बैटरी अवेलेबल है। और इसके नीचे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रांडिंग वगैरह कुछ किया गया हुआ है। और गाइस इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके फिनिशिंग एंड इन बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसके फिनिशिंग देखें तो आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। और प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका ओपन करें तो भाई आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट की मार्केशन और इसके साथ में आपको इस तरीके के रखे हुए ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ आते हैं। और यहाँ पे इसकी डिज़ाइन भी कुछ डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन मिल जाती है। पोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और नीचे की ओर माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन अभी तक मुझे लगी है। जैसे ही अपने कानों में इसको पहनते हो तो यहाँ पे आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब कि साइकिलिंग करते हो, जिमिंग एक्टिविटीज़ करते हो तो यहाँ पे अपने कानों में से आसानी से गिरेगा, बालों में से नहीं है। काफ़ी अच्छी और सिक्योर फिट आपको इस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे ये हार्मोनिक्स ट्विन्स 24 के फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई इसके अंदर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो आपको वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो आपको अप टू 10 मीटर तक की देखने को मिल जाती है। और मेरे ख्याल से अभी की टेक्नोलॉजी के मुकाबले आता है तो भाई यहाँ पे कोई IPX रेटिंग वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आपको IPX4 तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। जो एक वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस आपको ये ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि नॉर्मल सी एक्टिविटीज़ मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि आप रनिंग वगैरह कुछ कर रहे हो और इसके साथ साथ कभी बारिश में अगर आप रनिंग एक्टिविटीज़ कुछ करते हो तो जो नॉर्मल सी पानी वगैरह है तो इससे यहाँ पे इस ईयरबड्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा यहाँ पे इस चार्जिंग केस के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, मतलब ये फास्ट चार्जिंग भी थोड़ा सा सपोर्ट करता है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसलेशन भी देखने को मिला है, वो जो एकदम परफेक्टली भी वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको नॉर्मल से एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसलेशन भी देखने को मिल जाता है। और जैसे आप इस ईयरबड्स को अपने कानों में पहनते हो तो बाहर की जो आवाज़ मतलब कि जो नॉइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है, मतलब काफ़ी अच्छा फिटिंग वगैरह कुछ आपको यहाँ पे इस ईयरबड्स के साथ देखने को मिल जाता है।
साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई ये जो ईयरबड्स है इसके अंदर जो लाउडनेस है ना भाई, काफी कमाल की लाउडनेस देखने को मिल जाती है। और इसके साथ में यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है ना भाई, मुझे तो काफी हद तक पसंद आई है। अगर आप बेस लवर्स हो तो आपके लिए काफी अच्छा ईयरबड्स हो सकता है, वो भी 1200 रुपीज के अंदर। जी हाँ, काफ़ी अच्छी बेस क्वालिटी भी मिल जाती है, लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे इसके कॉल क्वालिटी हमने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे इसके जो मिड्स, हाइज एंड लोज, साथ में जो इसकी ट्रबल है वो भी काफ़ी एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। मतलब साउंड एक्सपीरियंस के रिलेटेड हम यहाँ पे इसके रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भाई मैं यहाँ पे इसको साउंड एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पे 4.5 out of 5 रेटिंग देने वाला हूँ, जो एक काफ़ी अच्छी बात है भाई। अगर आप बेस लवर्स हो तो भाई आपके लिए बेस्ट ईयरबड्स रहने वाले हैं। यहाँ पे इसके फंक्शन बटन के बारे में बात करें तो आप किसी भी म्यूजिक या फिर मूवी को प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे प्ले पॉज करने के लिए दोनों में से कोई भी ईयरबड्स के ऊपर सिंगल टैप करना है, जिससे प्ले पॉज हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग पे मूव करना चाहते हो तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर लॉन्ग टच करने से आप प्रीवियस सॉन्ग पे, और राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने से 2 सेकंड तक तो आप यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग पे मूव हो जाओगे। और इसके अलावा यहाँ पे इस ईयरबड्स के अंदर वॉल्यूम एडजस्टमेंट का फीचर्स भी मिल जाता है। मतलब कि आप अगर लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर डबल टैप करते हो तो आपको वॉल्यूम डिक्रीज मिल जाएगा, और इसके अलावा नेक्स्ट वाले ईयरबड के ऊपर 2 times टैप करते हो तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा इस ईयरबड्स के अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। दोनों में से कोई भी ईयरबड्स के ऊपर ट्रिपल टच करने से आप वॉइस असिस्टेंट का इजी टू यूज कर सकते हो। अब आते हैं मेन बात के ऊपर भाई, बैटरी बैकअप आपको इस ईयरबड्स के अंदर कितना मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे गाइस आपको टोटल 15 आवर्स का ही प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा। मतलब आप इस चार्जिंग केस को 100% चार्ज करके इसका यूज करते हो तो आपको यहाँ पे टोटल 15 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा, जो एक काफी कम बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे इस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। एक यही पॉइंट है जो इस प्रोडक्ट का मुझे डाउनग्रेड लगा है। और यहाँ पे आप इस ईयरबड्स को सिंगल चार्ज करते हो तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 से 5 घंटे का ही प्ले टाइम मिल सकता है, जो अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पे भी अगर इसको प्ले करते हो तो मेरे ख्याल से आपको 3.5 से 4 घंटे का ही प्ले टाइम मिलेगा। जो मुझे एक डाउनग्रेडेड पॉइंट लगा इस ईयरबड्स का, तो एक यही पॉइंट है जो बैटरी बैकअप, मतलब कि जो प्ले टाइम है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसके प्राइस के मुकाबले तो भाई काफ़ी अच्छा ईयरबड्स हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके कंपेयर में मीवी एप 30 है तो वो भी इस प्राइस रेंज के आसपास ही आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर जो आपको काफ़ी अच्छे अच्छा प्ले टाइम भी मिल जाता है। मुझे एक डाउनग्रेडेड फिर से एक बार बता देता हूँ, डाउनग्रेडेड जो पॉइंट लगा है इसका बैटरी बैकअप का, अदरवाइज इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी कमाल है, बिल्ड एंड क्वालिटी कमाल है, फिनिशिंग भी काफ़ी कमाल है और लाइट वेट के साथ आपको मिल जाता है। तो इसके ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भाई मैं इस प्रोडक्ट को 4 out of 5 रेटिंग देने वाला हूँ, और यहाँ पे इसको मैं 3.8 कहूँ तो भी ना नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक की पॉइंट डाउनग्रेडेड है वह जो है बैटरी बैकअप का। अदरवाइज आप यहाँ पे इसके बैटरी बैकअप को मायने नहीं रखते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, बेस क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की मिल जाती है। और इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। जी हाँ, फिर से मैं एक बार आपको कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे इसकी डाउनग्रेडेड पॉइंट है तो बैटरी बैकअप जो आपको 15 आवर्स का ही प्ले टाइम मिलता है। अदरवाइज ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिल जाता तो कमाल की प्रोडक्ट बन जाती है, लेकिन यहाँ पे बैटरी बैकअप के लिए मैं आपको इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। फिर भी आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और साथ में शेयर भी कर दीजिए। साथ में पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द आती रहे, और हर एक नए गैजेट का एक्चुअल और जेन्युइन रिव्यू आप हमारे चैनल पे देखते रहे।